उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर चर्चा में है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि मायावती के एक और अखबार में खबर छपी थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। मायावती ने 2015 के अंदर ये बात कही थी। मायावती ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मायावती ने कहा कि हिंदू धर्म में चार वर्ण होते हैं, जिसमें शूद्र केवल गुलामी करता है और आज के समय में दलित और पिछड़े ही शूद्र कहलाते हैं। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो दलितों और पिछड़ों को एक बार फिर से गुलाम बनना पड़ेगा। मायावती ने RSS पर हमला बोलते हुए यह भी कहा था कि संघ प्रमुख मोहन भागवत दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और भाजपा भी संघ के इशारे पर काम कर रही है। इसी के साथ ही मायावती ने कहा कि अगर आरक्षण खत्म करने की कोशिश की गई तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। मायावती ने ये बातें बसपा के संस्थापक काशीराम के 9वें निर्माण दिवस पर लखनऊ में कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए 2015 में ये बात कही थी। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। द सुगम आपके सामने राजस्थान व भारत की तमाम खबरें आपके सामने पेश करता है।